किसान भाइयों, सब्सक्राइब करें किसान फार्मो चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम आपको नई नई जानकारी खेती से जुड़ी हुई समय समय पर देते रहें और नई नई दवाइयों के बारे में आपको समय समय पर उसकी जानकारी भी देते रहें। जी नमस्कार भाई साहब, मैं पावर लाना सुमिटोमो कंपनी से आया हूँ। तो अभी आपने अपनी फसल में टबोली दवाई का इस्तेमाल किया था? ये टबोली का किया था। जब आपने टबोली दवाई का इस्तेमाल किया था तो आपकी जो फसल थी कितने दिन की थी? वो 35-40 दिन की। अच्छा, तो टबोली दवाई करने के बाद आपको क्या अंतर महसूस हुआ फसल के लिए? इसमें ऐसा हुआ जैसा कि फल भी ठीक ठाक पौधा, मतलब इसकी जो है ये गोब निकली। हाँ जी। और फल भी ठीक ठाक फली एक साल, मतलब कुल मिला के है कि आप बोलना चाह रहे हैं कि फूल भी अच्छा बना है? जी जी, फूल भी अच्छा फूल बना, फली भी अच्छी बनी, फूल से फली भी अच्छी बनी और फली भी ठीक ठाक खुली। अच्छा, तो अभी इसमें मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी फलियाँ हैं वो लगभग सारी समान आकार की। जी जी जी, एक सार आ रही है, सारी एक सार आ रही है। आपके हाथ में एक फली है इस मटर की? जी। इसमें दाने लगभग 10-12 दाने हैं। जी जी, ये आप देख सकते हैं 10-12 दाने हैं और सभी दाने कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सारे दाने जो है समान आकार के हैं टबोली लगने के बाद। ठीक है जी। और आपकी सरसों का भी मैं फली देख रहा हूँ कि इस पे भी टबोली लगी हुई है। जी जी। और इसकी भी जो फलियाँ हैं वो काफ़ी आकार में बड़ी हैं। तो सरफराज भाई, आप किसान भाइयों को क्या क्या इसमें बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं ठीक है, ये टबोली लगानी चाहिए। टबोली लगानी चाहिए। ओके, धन्यवाद।